नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष आशा एवं सहिया कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। मौके पर आशा एवं सहिया कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी का मानदेय झारखंड सरकार बढ़ा रही है, लेकिन हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा रही है, जबकि हम लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है। कोविड से लेकर सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में हम लोगों की सहभागिता होती है, लेकिन सरकार काम लेने के बावजूद भी हम लोग को मात्र 2000 रुपया महीना देती है, और वो भी 2000 लेने के लिए हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। इसलिए सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और मानदेय बढ़ोतरी के साथ हम लोगों का स्थायीकरण करे, जिससे कि हम लोग आर्थिक रूप से जो है अपना परिवार का पोषण कर सकें। वहीं कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित किया गया और कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आशा एवं सहिया कार्यकर्ता उपस्थित थी। नाम बताइए। मेरा नाम सविता देवी है। अच्छा, राजभवन के समक्ष प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं, क्या सरकार से आपकी मांग है? हमारे मांग है कि सहिया को कम से कम इस तरह काम दिया जाता है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आज टीबी से मुक्त है, पोलियो से मुक्त है, जितना हम लोग काम दिया जाता है उतना हम लोग को दाम दिया जाए, कम से कम 18000 होना चाहिए। अभी कितना पैसा मिलता है आपको? मात्र 2000। सरकार काम कितना लेती है? काम तो इतना सारा डर रहा है, मतलब मातृ मृत्यु दर है उसके बताइए। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं रायपुर प्रखंड जिला की हूँ। अच्छा, राजभवन के समक्ष इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, सरकार से क्या मांग है आपकी? हम लोग अपना मांग कर रहे हैं 18000 रुपया मानदेय के बारे में। हम लोग को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, मात्र 2000 से, और हम लोग का चयन हुआ है 2006 ईस्वी से, और इतना कम पैसा से सरकार हम लोग को बेवकूफ़ बना के काम करवा रही है। बहुत भाड़े रिक्शी हम लोग काम करते हैं, रात हो दिन हो, अपना घर परिवार हर दुख सुख को छोड़ के मरीज को लेके अपना स्टेट लेवल आते हैं, वहाँ से रिम्स भी लेके आते हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान में हम लोग के प्रति कुछ जू तक नहीं रेंगी है, चाहे हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। सबका मानदेय बढ़ा रहे हैं, फिर भी आशा एवं सहिया दीदी का कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग का मांग रखने के लिए आए हैं। ये बताइए कि सरकार तो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ा रही है, क्या कारण, क्या लगता है आप लोग? हम लोग का मांगे जब तक सरकार नहीं बढ़ाएगी हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आज तो हम लोग आए हैं, उसके बाद में बहुत बड़ा हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और लगातार जारी में रहेंगे। जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लगे रहेंगे। अच्छा, अभी कितना पैसा मिलता है आपको? मात्र 2000 रुपया मिलती है। आप लोग से क्या क्या काम लिया जाता है? हम लोग से बहुत प्रकार का काम लिया जाता है, गांव में पूरा सर्वे करते हैं, इतना कोविड में काम किए, आंगनबाड़ी में काम करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा काम होता है। पूरा काम तो सहिया ही करके देती है, प्रखंड लेवल में, स्टेट लेवल में, उसको बड़े बड़े अधिकारी पके पकाए हम लोग का ये करते हैं। कोविड में उतना काम किए, उसका भी हम लोग का पैसा नहीं दिया गया है। फाइलेरिया में काम किए हैं, कुपोषण में काम करते हैं, टीवी में। मानदेय आप लोग चाहती हैं? 18000 रुपया मानदेय चाहते हैं।